राष्ट्र फिलहाल आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, जिसके चलते वो अपने खर्चों में कटौती करने के लिए अपने मुख्यालय में मौजूद एसी लिफ्ट और एक्सीलेटर सहित मुख्यालय के बाहर लगे फाउंटेन को सोमवार से बंद करने जा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे आधिकारिक बैठक, यात्रा और डॉक्यूमेंट्स का 6 भाषाओं में अनुवाद करने में कटौती करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेश ने आदेश कर दिया है कि नई व्यवस्था को सोमवार से लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अतिरिक्त दुनिया भर में मौजूद अन्य कार्यालयों में लागू होगी। शुक्रवार को लिखे पत्र में महासचिव ने कहा कि स्थिति में सुधार होने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। महासचिव ने कहा कि 193 सदस्य देशों में से 128 देशों ने ही अपनी वार्षिक बकाया राशि का भुगतान किया है। यदि तयशुदा बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो संयुक्त राष्ट्र के कामकाज और सुधार प्रक्रिया के समक्ष जोखिम पैदा हो जाएगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र को बीते एक दशक में पहली बार इतने गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यूएन के सामने आरक्षित निधि में रखी नकदी के अक्टूबर माह के अंत तक खर्च हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाओं के भुगतान का संकट मंडरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रबंधक विभाग की अध्यक्ष कैथरीन पोलार्ड द्वारा आम सभा की बजट कमेटी को दी गई जानकारी के मुताबिक सिर्फ 128 देशों ने 4 अक्टूबर तक 199 करोड़ डॉलर की राशि जमा की है। वहीं 65 देशों की 138.6 करोड़ डॉलर राशि अब भी बकाया है, जिनमें से 100 करोड़ डॉलर की राशि अकेले अमेरिका को ही देनी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।